की बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में बस्ती की रैली में बोले पीएम मोदी, यूक्रेन में फंसे बेटे बेटी को सुरक्षित भारत लाने के लिए दिन रात हो रहा है काम। पीएम मोदी बोले देश में 3 तलाक के मामलों में 80% तक आई कमी। यूक्रेन में फंसे 240 लोगों को लेकर एयर इंडिया का फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान आज, 61 सीटों पर हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से राहुल गांधी ने की राज्यसभा की खाली सीट को लेकर बातचीत। चिराग पासवान का बड़ा आरोप, नीतीश कुमार मुझे गोली मरवा सकते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर निशाना साधा, कहा बंगाल में लोकतंत्र को दफनाया गया है। यूक्रेन रेलवे कीव से चलाएगा आपातकालीन ट्रेन, प्रवासी भारतीयों को पश्चिमी क्षेत्रों में जाने की दी सलाह। रूसी डेलीगेशन के चीफ बोले अगर यूक्रेन बातचीत से इनकार करता है तो जिम्मेदारी उनकी होगी। डेनमार्क और आयरलैंड ने रूसी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र को बंद करने का किया फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनकी सीट से हटाना चाहिए। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने कहा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने करीब 4,300 सैनिकों को खोया। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने पुनीत को IJF के अध्यक्ष और राजदूत के पद से किया निलंबित। बेलारूस में कीव में दागी गई एक क्रूज मिसाइल को यूक्रेन ने मार गिराया। अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।